आई स्टार्ट विद द बेस्ट नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज योर SST बुक 5। वी आर गोइंग टू शो प्रीव्यू ऑफ चैप्टर लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, सेहरा और जंगल के इलाकों की जिंदगी। आर डेजर्ट इज़ अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटल प्रीसिपिटेशन अक्कर एंड दे हैव फ्यू अडेप्टेशन टू। दुनिया में बहुत से सर्द और गर्म सेहरा पाए जाते हैं। सेहरा एक बंजर इलाका है। सेहरा में बारिश बहुत कम होती है। सेहरा की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिनमें पोलर डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कंटिनेंटल डेजर्ट एंड कोस्टल डेजर्ट वगैरह। सेहरा में वेजिटेशन यानी के पौधे भी होते हैं। डेजर्ट प्लांट में चंद पत्ते होते हैं। वेजिटेशन पौधे, डेजर्ट प्लांट में चंद पत्ते होते हैं, फ्लैश स्टेम होते हैं। ये पौधे ज़्यादातर कांटेदार होते हैं। सेहरा में इंसानों की आबादी बहुत कम होती है। पानी की कमी, सर्द गर्म मौसम, पौधों की कमी की वजह से लोगों की आबादी यहाँ नहीं होती। कुछ सेहराओं में मुख्तलिफ कबीले आबाद हैं। फॉरेस्ट रीजन, अ फॉरेस्ट इज़ अ पीस ऑफ लैंड विद मैनी ट्रीज। मैनी एनिमल्स नीड फॉरेस्ट टू लिव एंड सर्वाइव। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रो इन मैनी प्लेसिस अराउंड द वर्ल्ड। दे आर एन इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंगल घने और दरख्त से घिरे होते हैं। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। जंगल के दरख्तों की लकड़ी बहुत काम आती है, जिससे फर्नीचर और दीगर अशिया बनती हैं। वर्ल्ड मैप में दो अहम जंगलाती इलाके फॉरेस्ट रीजन दिखाए गए हैं, जिनमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ और अफ्रीका की कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट ये इक्वेटोरियल से मुख्तलिफ होते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कैनेडा, यूरोप के बड़े हिस्से नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। अब आए चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीकली होमवर्क असाइनमेंट 6 क्लास 5 टास्क 1 रीड चैप्टर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन पेज नंबर 15-22। टास्क 2 वोकैबुलरी। टास्क 3 क्वेश्चन आंसर्स। टास्क 4 ए फिल इन द ब्लैंक्स। टास्क 4 बी चूज द करेक्ट आंसर्स। टास्क 5 बुक एक्सरसाइज। टास्क 6 एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम बुक वर्क करेंगे। आपको शॉर्ट रिव्यू आपके चैप्टर का ऊपर हम दे चुके हैं। अब हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी और एन इंसाइक्लोपीडिया। राइट अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन ईच वर्ड्स। आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। इनके आपने सेंटेंस में इनके मीनिंग बताने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ बेडोइन, लोकल अरब पीपल ऑफ डेजर्ट्स। सेहरा के मकामी अरब लोग, जिन्हें बद्दू भी कहते हैं। नंबर 2 सिरिको, अ हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड। एक गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवा। वाडी, अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स। दो पहाड़ों के बीच की जगह। नंबर 4 नॉम्ड, अ पर्सन हु डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम प्लेस। वो शख्स जो एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। नंबर 5 कैक्टस, अ प्लांट विद अ थिक फ्लैश स्टेम दैट बियर द स्पाइंस। ये पौधा थिक और फ्लैशी स्टेम होते हैं इस पौधे के, और ये ज़्यादातर सेहरा में पाया जाता है। एक्सरसाइज बी, राइट द वर्ड्स बिलो इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके कॉलम बनाए हुए हैं। आपने यहाँ से चूज करके उनके कॉलम्स में सही वर्ड लिखने हैं। क्लाइमेट के कॉलम में जो वर्ड्स आएंगे उसमें आएगा विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइल्ड विंड। लैंड के कॉलम में आएगा सैंडी, रॉकी, वॉडी, ड्यून्स। वेजिटेशन
के कॉलम में स्पाइनी, लीव्स, स्टेम, रूट्स, और एनिमल्स के कॉलम में आएगा कैमल, स्नेक, लिजर्ड, हेजहॉग्स। एक्सरसाइज सी, सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन इंक एंड दूज इन द टेम्परेचर फॉरेस्ट विद ब्लू। सम ऑफ द थिंग्स मे बी फाउंड इन बोथ काइंड ऑफ फॉरेस्ट, सर्कल देम विद बोथ कलर्स। अब यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको ग्रीन कलर से सर्कल बनाना है, और जो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें आपने ब्लू कलर से सर्कल करना है। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से जो सर्कल किए हुए हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की थिंग्स हैं, और जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किए हुए हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट की थिंग्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपने कंप्लीट करना है। नंबर वन इज, ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। नंबर टू, रूट्स ऑफ कॉर्निफॉरेस्ट ट्रीज हेल्प टू कीप द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। नंबर थ्री, डेड ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज दे आर सो थिक। नंबर फोर, प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट ग्रो फास्ट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रीच द सनलाइट। नंबर फाइव, एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर देयर फर बिकॉज देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, काम स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाएं। यूनिट वन लिखना है, चैप्टर थ्री लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन की हेडिंग डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे उस दिन की जिस दिन हमने काम स्टार्ट करना है। फिर आपने पेज तैयार करना है लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, आपने ब्लू कलर से लिखना है। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग ब्लू कलर से लिखेंगे, वर्ड्स आपने ब्लू कलर से शो करने हैं और मीनिंग्स आपने पेंसिल से। आए पढ़ते हैं। नंबर वन, डेजर्ट सहरा, कंटिनेंट बरे आज़म, रेनफॉल बारिश, सैंडस्टॉर्म रेत का तूफान, लैंड सरफेस ज़मीनी सतह, क्लाइमेट आबोहवा, रीजन खित्ता, टेम्परेट तपिश आमेज, फॉरेस्ट जंगलात, वाइल्ड लाइफ जंगलात की जिंदगी, वेजिटेशन पौधे, हंट शिकार। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आपने ब्लू कलर से शो करनी है, क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखेंगे और आंसर पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स? आंसर इज, दीज आर इन द आंसर इज दीज डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन टू, वेयर डू द डेजर्ट्स फॉर्म? आंसर इज, डेजर्ट फॉर्म इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेन। क्वेश्चन थ्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर देयर? नेम देम। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। नंबर वन, ट्रॉपिकल डेजर्ट। नंबर टू, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। नंबर थ्री, रेन शेडो डेजर्ट। नंबर फोर, कोस्टल डेजर्ट। क्वेश्चन फोर, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। आंसर इज, द सहारा डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। क्वेश्चन फाइव, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? आंसर इज, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्वेश्चन सिक्स, नेम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज विच हैव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? आंसर इज, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। क्वेश्चन सेवन, वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट? आंसर इज, these forests are very important because they are a source of oxygen for all living things and are known as the lungs of the earth. The equatorial forests are rich in medicinal plants. Question 8, what problem do people living in equatorial forests? Question 8, what problems do people living in equatorial forests? Answer is, because of dense vegetation, it is difficult to travel through these forests. The people who live there also have great difficulty in clearing land for cultivation. Question 9,
Name some countries where temperate forests are found. They are found in North American countries of USA and Canada, in large part of Europe and in North and Northeast Asia. यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए जी स्टूडेंट. क्वेश्चन 4A, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग आपने ब्लू कलर से शो करनी है. नंबर 1, डैश प्लांट हैव फ्यू लीव्स, डैश में डेजर्ट. नंबर 2, द डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल डेजर्ट. आंसर इज गोबी डेजर्ट. नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी डैश हाई. 3, टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी डैश डैश में हाई. नंबर 4, द टेम्परेट फॉरेस्ट हैव वेरी डैश ट्रीज टॉल. नंबर 5, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. क्वेश्चन 4B, चूज द करेक्ट आंसर्स. नंबर 1, डैश आर क्लोज टू द ट्रॉपिक ट्रॉपिकल डेजर्ट या कोस्टल डेजर्ट. नंबर 2, द एटाकेमा डेजर्ट इन डैश चिली या चाइना. नंबर 3, ऑल डेजर्ट है वेरी डैश रेनफॉल हाई या लो. नंबर 4, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन डैश मेडिसिनल प्लांट या ड्राई प्लांट. नंबर 5, लार्जर एनिमल्स आर डैश फॉर देयर फर्स फीड या हंटेड. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 था कंप्लीट एक्सरसाइज A, B, C and D बुक पेज नंबर 23 एंड 24. पेज नंबर 23 एंड 24 पर आपको बुक वर्क करवा दिया गया है. अब टास्क नंबर 6 है एक्टिविटी, पेज द पिक्चर ऑफ रॉकी डेजर्ट आर सैंडी डेजर्ट आर रेन फॉरेस्ट एंड एन एल्पाइन फॉरेस्ट इन योर नोटबुक. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपको आज सैंडी डेजर्ट की तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ रॉकी डेजर्ट की पिक्चर है, एंड एल्पाइन फॉरेस्ट इसकी पिक्चर है. इसके एल्पाइन ट्रीज जो होते हैं ये बहुत बड़े और लंबे होते हैं. आ रेन फॉरेस्ट, आपको रेन फॉरेस्ट की पिक्चर नज़र आ रही है. ये चारों पिक्चर्स आपने पेस्ट करनी है अपनी नोटबुक में या फिर अपनी स्क्रैप बुक में. अब आते हैं इंडेक्स के जाने स्टूडेंट. यूनिट वन में चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट था, ये आपने इसका काम कर लिया होगा और उम्मीद है अपने टीचर को चेक भी करवा दिया होगा. अब चैप्टर 2 था लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, इसका भी काम करने के बाद आपने यहाँ पर पेजेस इंक्लूड करने हैं और काम नीट एंड क्लीन करना है. अपना भी ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें. और इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में फिर मिलेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.